हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल शिमला किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पराठा, ये प्याज का पराठा है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है और आपका इतना सारा पराठा बनकर तैयार हो जाता है। और खाने में ये उतना ही टेस्टी और हेल्दी है। तो देखिए, और चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने ये कप लिया है, इससे मैं 4 कप आटा लूँगी। 1 कप हो गया और ये दूसरा कप, और ये रहा तीसरा कप, और 1 कप मैं और लूंगी। ये 4 कप मैंने आटा ले लिया। और ये मैं इसके लिए मसाला ली हूँ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। गुलकी है थोड़ा सा, अजवाइन और हरी मिर्च। और अब इन सब को हम एक साथ आटा में डाल लेंगे, इस तरह से देखिए। और इन सब को आटा में डालने के बाद हम अब प्याज को, देखिए प्याज को पूरा बारीक काटेंगे हम। और ये 5 से 7 प्याज है फ्रेंड्स। और इसको मैंने अच्छे से, इसका पानी मतलब देखिए छान लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे पानी से गूंद लेंगे। ये देखिए, इस कप से मैं पानी ले रही हूँ। पहले 1 कप पानी ले, जिससे मैंने आटा नापा था उसी से मैं पानी ले रही हूँ। और ये बचा हुआ सारा पानी मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये आप फिर से 1 कप और पानी लेंगे फ्रेंड्स। इससे मैंने 2 कप पानी लिया था, 2 कप में से इतना थोड़ा पानी बच गया है, और इतना में ही पूरा आटा गूंद गया है। पूरा सॉफ्ट गूंदना है फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं अब इससे डो तैयार करूंगी। छोटी छोटी लोइयां इससे बनाना है। ना बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत मोटा होना चाहिए। इतना बड़ा लोई मैं ले रही हूँ। इसी तरह से मैं इन सब के बना लूँगी। और ये मैंने आटा लपेट कर उसमें थोड़ा, और इसको हल्के हाथों से बेल लेना है। ये देखिए, ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब उसमें हम इसको डाल देंगे। थोड़ा सा रुकने के बाद हम इसे पलट लेंगे। देखिए हो गया है, इसको अच्छे से पलट लेंगे। और इस पर हम रिफाइंड ऑयल मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस तरह से तेल को लगा लेना, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स ये। फिर इसे पलट कर हम दूसरी तरफ भी तेल लगा लेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान, और एकदम झटपट और हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन जाता है इससे। ये हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, पूरा अच्छा कलर भी है और एकदम क्रंची भी है। अब इसी तरह से हम और सारे पराठों को भी बना लेंगे। ये दूसरा डाला मैंने, इसको भी सेम प्रोसेस से ही करना है। पलट देंगे, फिर इसमें तेल लगा लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, उसके बाद फिर आधा बाद में बनाऊंगी। बाद में मीन्स की बस वीडियो में इतना बना दे रही हूँ, क्योंकि मैंने 4 कप आटा लिया था, यानी कि 1 केजी लगभग। ये देखिए,
अब इसे भी हम पलट पलट के सेंक लेंगे। ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा तीसरा एकदम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। पलटने के बाद वापस से हम तेल को लगाएंगे। ये भी हमारा बनकर अब तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए इतने सारे पराठे मैंने बनाए और इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये तो थोड़ा गर्म है इसलिए नहीं तोड़ पा रही हूँ। और ये देखिए सारे पराठे मैंने इस तरीके से देखिए सब बनकर तैयार हो चुका है। और आप घर पे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा की तरह इस बार भी कि अगर आप जब भी घर में ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना बिल्कुल भी नहीं भूले कि आपका पराठा कैसा बना, कितना टेस्टी और कितने लोगों ने पसंद किया। इसमें भी हम ऑयल लगा दे रहे हैं। इतना आटा है अभी बचा हुआ है, सबको भी मैं अभी बना लूँगी। ये देखिए इतना पराठा को मैं इस तरह से सजाई हूँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं बताइएगा जरूर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे कि ये होगा कि मेरा जब भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।